नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जम्मू कश्मीर से लगती एलओसी पर अब हालात बदलने लगे हैं। दोनों ही देशों का सैन्य जमावड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि एलओसी से ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हो चुकी है। पाक फौज ने एलओसी पर पहले ही 2 डिवीजन तैनात की थी, जिसमें करीब करीब 20,000 जवान तैनात किए गए थे। मगर ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुपचुप 2 डिवीजन को और तैनात कर दिया है, यानी पाकिस्तान ने एलओसी के चप्पे चप्पे की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। उसने पूरी एलओसी पर बेहद ही सख्त पैरा बिठा दिया है। पाक फौज द्वारा पिछले 48 घंटों में यह तैनाती की गई है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना ने बख्तरबंद वाहनों के अलावा अपनी आर्टिलरी को भी एलओसी पर मुस्तैद किया है। एयर डिफेंस रडार और टैंकों को भी एलओसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा यह तमाम कवायद तब की गई है जबकि 2 दिन पहले ही चीन ने सभी विवादित स्थानों से वापस लौटने की घोषणा की है। यानी चीन अगर डेपसोंग और पेंगोंग से पीछे लौट रहा है तो पाकिस्तान एक नया फ्रंट तैयार कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के विरोध में पाकिस्तान काला दिवस मनाने की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भीतर ही भीतर डर की हालत में है। उसे चिंता है कि कहीं इस दौरान भारत कोई बड़ा एक्शन ना कर दे। पाक फौज प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले ही एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से बैठक की है। यह कोई शिष्टाचार बैठक भी नहीं थी। 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में एलओसी के हालात पर चर्चा करने के साथ ही पाक वायुसेना की क्षमता पर भी बात हुई है, जिसका यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो पाकिस्तान में हद से ज्यादा घबराहट है या फिर वह खुद भारत पर एक्शन का कोई ना कोई ताना बाना बुन रहा है। खासकर भारत के पास मौजूद राफेल ने पाक फौज की घबराहट बढ़ा रखी है। इस फाइटर जेट ने सारे क्षेत्रीय समीकरण एक ही झटके में पलट कर रख दिए हैं। पाकिस्तान को बड़ी फिक्र यह भी है कि भारत के पास राफेल की मौजूदगी से आतंकियों के लॉन्च पैड पर खतरा बढ़ गया है। अब भारत को उसकी सीमा में आकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है, बल्कि भारत राफेल के द्वारा ही यह काम अपनी सीमा में रहते हुए कर सकता है। राफेल में यह काबिलियत है कि वह भारत सीमा में रहते हुए पाकिस्तान में 600 किलोमीटर भीतर तक सटीक निशाना लगा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। सियाचिन में भारतीय सेना ने चौकसी और तेज कर दी है। भारतीय सेना शानदार तरीके से 36 किलोमीटर विशाल ग्लेशियर पर नजर रखे हुए है। यहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। बड़ी बात यह है कि इसी सियाचिन से समूचे काराकोरम क्षेत्र में सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। पर बावजूद इसके अब एलएसी की बजाय एलओसी पर स्थिति विस्फोटक हो गई है। स्थानीय नागरिकों की माने तो उन्होंने 1999 में कारगिल जंग के दौरान सीमा पर ऐसे हालात देखे थे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी यहाँ सेना इतनी बड़ी तादाद में नहीं जुटी थी, पर चूंकि इस वक्त दुनिया का ध्यान भारत चीन सीमा पर लगा हुआ है, इसलिए एलओसी की स्थिति पर ज्यादा चर्चा नहीं चल रही है। अगर सामान्य हालात रहे होते तो दोनों देशों का एलओसी पर सैन्य जमावड़ा दुनिया का ध्यान खींच सकता था। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जंग के हालात बनना कारण नहीं है, इसके पीछे 2 कारण बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव कराने का ऑर्डर पास कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में चुनाव कराकर यहां अपना दावा मजबूत करने की चाल चल रहा है। उधर भारत द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में पाकिस्तान 5 अगस्त को काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों ही वजहों ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ा रखी है। भारत गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा मानता है। भारत नहीं चाहेगा कि यहां पाक द्वारा चुनाव कराने के मंसूबे कामयाब हो पाए। ऐसे में भारत कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाकर कोर्ट के फैसले को वापस लेने का दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि अभी भी उम्मीद नहीं है कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि इस इलाके में चुनावी गतिविधियां कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ऊपर से पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं भारत इसके मद्देनजर उस पर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर बैठे। पाक फौज के प्रमुख बाजवा पिछले 15 दिनों में 2 बार एलएसी का गुपचुप दौरा कर चुके हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी गिलगित बाल्टिस्तान के इस्कार्दो एयरबेस की तैयारियों को परख कर आ गए हैं, जिसके बाद JF-17 के एक स्क्वाड्रन को इस्कार्दो रवाना किए जाने की खबर है। यानी डरा हुआ पाकिस्तान यह दिखाने की चेष्टा कर रहा है कि वह भारत से मुकाबले को पूरी तरह तैयार है, पर हकीकत यह है कि वह बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि भारत से टकराना उसके बूते की बात नहीं है। पर सवाल यही है कि क्या भारत चीन के बीच का तनाव भारत और पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो रहा है?
चीन तो अब यही दिखाने की कोशिश में है कि उसका जंग का कोई इरादा नहीं है। हो सकता है कि यह उसकी छुपी हुई रणनीति हो, मगर भारत तो दोनों ही सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे पर उकसावे का आरोप लगा रहे हैं, मगर इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है। वैसे भी यह भारत का इतिहास है कि उसने अपनी ओर से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की है। 1948 से लेकर 1999 तक 4 युद्धों में पहल पाकिस्तान की तरफ से ही की गई है। अब अगर पाकिस्तान 2020 में किसी संघर्ष की पटकथा लिखना चाहता है तो भारत उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं हिचकेगा। खासतौर से पीओके को लेकर भारत अब आक्रामक नीति तैयार कर रहा है। इस इलाके में चीनी गतिविधियां भारत के लिए चिंता का सबब बन गई है। पाकिस्तान द्वारा पीओके में चीन की उपस्थिति बढ़ाने के पीछे उसे भारत से बचाने के मंसूबे हैं। यहाँ पर दामेरबासा बांध का बड़ा प्रोजेक्ट चीन की हाइड्रो पावर कंपनी बना रही है, मगर इसकी आड़ में यहाँ चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, जो यकीनन भारत को मुश्किल में डालने वाली हरकत है। पाकिस्तान को लगता है कि पीओके को भारत से बचाने का एकमात्र यही तरीका है, यानी इस क्षेत्र में पीएलए की आमद बढ़ा दी जाए ताकि भारत पीओके की तरफ आसानी से नहीं बढ़ सके। पर दिक्कत यह है कि इससे पाकिस्तान को स्थानीय विरोध के उभरने का खतरा भी सताने लगा है, जो कि दामेरबासा डैम की खिलाफत में मुखर हो भी गया है। स्थानीय जनता ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है और डैम की खिलाफत में आंदोलनों की शुरुआत कर दी है। ऐसे में यहां चीन की पीएलए आई और उसने बल प्रदर्शन किया तो समूचे पीओके में हालात विस्फोटक हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान द्वारा पीओके बचाने की चाल में वह खुद ही उलझता जा रहा है। उसकी बड़ी फिक्र यह भी है कि यहां भारत समर्थकों का एक बुद्धिजीवी वर्ग जनता में काफी प्रभाव रखता है, जो जनता को भड़काकर उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध एकजुट कर सकता है। यह बुद्धिजीवी वर्ग अंतरराष्ट्रीय मंचों तक अपनी पकड़ रखता है, इसलिए भी मामले को तूल पकड़ते अधिक देर नहीं लग पाएगी। इससे उसके अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ सकता है। इसका मतलब यह है कि डाल डाल पात पात के खेल में भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार कर रखा है। भारत का यही जोर है कि पाकिस्तान को उसी के घर में उसी की जनता द्वारा घेरा जाए। अगर पाकिस्तान जंग की तरफ बढ़ता है, उसके लिए इंडियन आर्मी अपनी कमर कस चुकी है, यानी मदरसा मुल्क की मदरसा नीति चाणक्य नीति के आगे तसरी पटक कर सजदा कर रही है। वैसे भी मदरसा नीति में सिवाय छल परपंच और मक्कारी के दूसरा अध्याय नहीं सिखाया जाता है, पर डिजिटलाइजेशन के युग में यह नीति ज्यादा कारगर नहीं है। इसका भेद जल्दी ही दुनिया के सामने खुल जाता है। पाकिस्तान एलओसी पर जिन गाड़ियों टैंकों को तेल फूंकते हुए और धूल उड़ाते हुए घूम रहा है, वे किसी हताशा का ही प्रतीक है, क्योंकि बेफजूल में हवा में उड़ना और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना योद्धा नहीं करते हैं। जिस तरह से बाजवा और मुजाहिदनवर भागे फिर रहे हैं, उनके भीतर भारत के एक्शन की घबराहट जन्म ले चुकी है। अब इमरान खान के साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी यकीनन बिलावल भुट्टो की यह चेतावनी याद आ रही होगी। नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर चीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी की बात, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन। यहाँ एक न्याजी है जो कि उनसे भी ज्यादा फैशिस्ट है, जिसने पाकिस्तान में मेरा मीडिया की भाइयों का मीडिया का आजादी का खत्म किया है, जमहूरियत पे हमला कर रहा है, इंसानी हकूक का धज्जा उड़ा दिया है, अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है, किसी को किसी बहाने पे, किसी को दूसरा बहाने पे, अपनी सियासी मुखालफीन के गर्द के औरतों को भी गिरफ्तार किया है, किसी सबूत के बगैर, किसी कन्विक्शन के बगैर। तो ये फैशिज्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैशिज्म का मुकाबला करना जानती है। हम आपको हर महाज पे बेनकाब करेंगे। इस बात में पूरे मुल्क के सामने डालना चाहता हूँ, मेरा मीडिया के सहाफियों के सामने डालना चाहता हूँ कि ये हुकूमत मुझे, मेरे पार्टी को, मेरे खानदान को दबाव में डालने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।